कि अभी जो ये शेरू क्लासिक हुआ है हमारा, इसके अंदर बहुत लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि इसके अंदर चीटिंग हुई है। तो आधे लोगों का कहना ये था कि गुरुजी क्यों नहीं बोले इसके ऊपर कुछ भी। तो गुरुजी ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि आप कुछ भी क्यों नहीं बोले? गुरुजी ने गेम के लिए इतना पैशन था, इतना स्पिरिट था कि गेम के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी। गुरुजी जब जॉब छोड़ी तो दिमाग में आया नहीं कि यार इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से आएंगे नहीं आएंगे, वो चीज़ें आंखों को नहीं भारी कुछ लोगों के VIP सेक्शन में गुरुजी खाना खा रहे हैं। तो इस तरह का कोई डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आया, कभी कोई गर्लफ्रेंड आई हो, मतलब वो जवानी के दिनों में कोई लड़की अच्छी लगी हो या उसके लिए टाइम वेस्ट कर दिया हो, या कभी ऐसा ब्रेकअप ये वो जो आजकल लोगों की लाइफ में चल रहा है, ऐसा हुआ कभी गुरुजी? आपने बॉडी बिल्डिंग को स्विच कर गया, पावर लिफ्टिंग में चले गए, नाम मेडल पे की बारिश हो रही है, नाम भी हो रहा बॉडी बिल्डिंग, उसके बाद गेम स्विच, गुरुजी वो क्यों करा और कितने साल बाद? क्योंकि तो कुछ लोगों का ये कहना गुरुजी कि गुरुजी जिम में जाते फीस मांग लेते हैं, तो गुरुजी की आदत बड़ी वैसी है। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia, and I am with my Guruji. So guys, today we are going to shoot a video जिसका को बहुत दिनों से इंतजार था, और जैसे हमारे बहुत सारे भाई गुरुजी को प्यार देते हैं थ्रू हमारी वीडियोस और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस के थ्रू, और गुरुजी की रील्स में भी बहुत सारा प्यार दिखाते हैं। तो आज गुरुजी की पूरी जर्नी जानेंगे, स्टार्टिंग से लेके अब तक, कैसे टीनेज में वर्कआउट करना शुरू किया, कैसे यहाँ तक आए, इतने सारे लोग इतना सारा प्यार करते हैं, लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहलाते हैं। और गुरुजी की, अगर गुरुजी आपकी परमिशन हो तो मैं एक सेकंड लेके अपने फर्रे में से चीटिंग करके गुरुजी की, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है एक बार गुरुजी के अचीवमेंट्स के बारे में बता दूं, साइड में दिखा दूंगा, ठीक है? देखो 1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप गोल्ड, 1998 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप सिल्वर, 2000 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप गोल्ड, 2000 में सीनियर एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 8th प्लेस, 2004 में ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप में गोल्ड, 2005 में मिस्टर इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियन गोल्ड, 2010 में मिस्टर इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियन, 2012 में चैंपियन ऑफ चैंपियन मिस्टर इंडिया, 2012 एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप सिल्वर, 2013 गुरुजी ये तो फर्रे ही खत्म ना हो रहे मेरे, 2013 ब्रिटिश ओपन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2 गोल्ड, इस साल में 2 गोल्ड गुरुजी, 2013 में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गोल्ड, 2014 में यूरोपियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2 गोल्ड 1 सिल्वर, 2015 में यूरोपियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गोल्ड, 2015 में 7th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक फेडरेशन WBF चैंपियनशिप में टॉप 5 में, 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग यूनियन में 2 गोल्ड, 2016 में यूरोपियन पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 गोल्ड। गुरुजी इतना मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, साइड में भी आपको दिख रहा होगा, तो अभी आधे लोगों की आंखें खुल गई होंगी जिनको नहीं पता है। इतने अचीवमेंट्स मुझे नहीं लगता भैया इंडिया में किसी के भी अंदर हैं, जो लोग आके कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, डिफेमेशन वगैरह, एक भी वर्ड गलत बोलते हैं, पहले भाई अचीवमेंट्स देख लिया करो, उसके बाद अपने में सोचा करो कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए नहीं। 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप में बेस्ट लिफ्टिंग अवार्ड, 2017 में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, और 2017 में प्रो ओलंपिया पावर लिफ्टिंग इन लास वेगस USA में गोल्ड मेडल। गुरुजी इतने में तो मैं लिख जाता ना, इतना पेपर में पास हो जाता। तो भाई आज गुरुजी से जानेंगे, आपने अचीवमेंट्स देख लिए होंगे गुरुजी के, विकिपीडिया पे पढ़ लेना, किसी को कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा हो। और अच्छा गुरुजी, मैं जैसे 2-4 वीडियो बनाए तो एक कह रहा कि गुरुजी की इतनी चमचागिरी क्यों, तो भैया ऐसा देखो, गुरुजी की चमचागिरी करके ना तो मुझे बहुत तगड़ी बॉडी बनानी, ना मेरे कोई गोल्ड मेडल मिलने वाले, ना गुरुजी ये उठा के मेरे घर रख देंगे, तो भैया ये सेल्फलेस चमचागिरी है, गुरुजी का चमचा हूँ, चमचा ही रहूँगा और चमचा ही बन के रहना चाहता हूँ, तो ये सेल्फलेस चमचागिरी सारी जिंदगी चलेगी जब तक जिंदा हूँ, ठीक है? रेस्पेक्ट में और चमचागिरी में बहुत फर्क है। नहीं, अगर जिसको चमचागिरी लग रही है चमचागिरी सही, भाई सेल्फलेस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो है दिल से तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, गुरुजी का स्ट्रगल, गुरुजी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन, जो अभी जो रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी हुई है गुरुजी, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जो मुद्दा उठाया, वो होता ना कि एक मौका चाहिए होता है, यार मैन विद नो हेटर ऐसे कैसे, हर इंसान के हेटर है, गुरुजी ऐसे कैसे, एक भी हेटर नहीं, तो एक मुद्दा निकाल लिया, जो ये शेरू क्लासिक हुआ है हमारा, इसके अंदर बहुत लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि इसके अंदर चीटिंग हुई है, लोग अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं जितना उनको है, जो कि है नहीं एक्चुअल, पर दे रहे हैं फिर भी। आधे लोगों का कहना ये था कि गुरुजी क्यों नहीं बोले इसके ऊपर कुछ भी। तो गुरुजी ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि आप कुछ भी क्यों नहीं बोले? देखो, एक तो मैं इस फील्ड में, मेरे को बॉडी बिल्डिंग में करीब 26 साल हो गए। हाँ, मैंने इतने एथलीट्स को भी तैयार किया, मैंने खुद भी गेम किया है, मैंने बहुत कंपटीशन भी देखे, मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी देखी है। आप कभी भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कोई भी रेफरी। हाँ, एक कंपटीशन में एक ही बंदा खुश हो गया जाएगा जिसको गोल्ड मिला है। अब अच्छा, मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है। हाँ, मैं कहीं रेफरी नहीं हूँ, कहीं किसी एसोसिएशन में, किसी फेडरेशन में नहीं हूँ,
मैं एक कोच हूँ, मेरे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं स्टेज पे, अब अधूरे ज्ञान के साथ हाँ। मैं जाके रेफरी पे चढ़ जाऊँ हाँ। कि जी ये तो आपने गलत कर दिया, या कोई वीडियो बना दो सोशल मीडिया पे, या कोई सोशल मीडिया पे डाल दूँ मैं, तो एक तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं, मुझे पूरे नॉर्म्स भी नहीं पता हाँ। और मेरे ख्याल ज़्यादातर ऑडियंस जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ उनको भी नहीं पता कि वो जजेज देखना क्या चाहते हैं, सही मायने में नहीं पता होता। सही बात है, ये चीज़ एक तो नॉलेज उन्होंने पढ़ाई की है उसकी हाँ। दूसरा फिर एक्सपीरियंस से उनके हाँ। होते तो जजेज का कोई अपना एथलीट नहीं था हाँ। वो अपने साथ किसी एथलीट को लेके नहीं आए हाँ। उन्होंने जो बेस्ट था उस टाइम पे उसको दे दिया हाँ। अब एज ए कोच में जाके हल्ला मचाऊँ उसका मेरे कोई नुकसान होगा हाँ। नुकसान क्या होगा गुरुजी? नुकसान ये होगा कि मेरे जो एथलीट है वो टारगेट पर आ जाएगा भाई, तुम्हें जो प्लेस दिया हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया उसके बाद भी तुम हल्ला मचा रहे हो हाँ। तो कहीं ना कहीं उस एथलीट के लिए नेगेटिव हो जाएगा हाँ। ये ह्यूमन नेचर और होता आपके है। लिए भी नेगेटिव हो सकता है, मेरे लिए वो कहते भाई आप कौन है बिल्कुल आपका, या तो फिर वो सीधा यही पूछे भाई हाँ। रेफरी है हाँ। कोई फेडरल में आईएफएबी में कोई तेरी पोस्ट है, कोई ऑफिशियल है, ऑर्गेनाइजर है, तू क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जिसका कोच हूँ। तो फिर साइड में बैठ, तेरा राइट ही नहीं है, तू सिर्फ ये पूछ सकता है मेरे एथलीट किस वजह से सेकंड है, इतना ही पूछ सकता है। अल्लाह मचाने तेरे को बिल्कुल राइट नहीं, क्योंकि वो तेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है। सही बात है हाँ। तो वो भी अपने आप में कि भाई इंसल्टिंग है कि जाके लड़ाई झगड़ा करो, वो बोलते हैं कि भाई एक काम करो हाँ। जज आप ही कर लो ना, आप ही जज बन के बैठ जाओ और फिर और शो को जज आप कर लो। जिस दिन मेरा एथलीट फर्स्ट आएगा हाँ, उस दिन क्या सेकंड वाले को लगा ही नहीं चीटिंग होगी? सेकंड वाला तो उस दिन भी वो मलाल में जाएगा कि यार कुछ गड़बड़ मेरे साथ गड़बड़ होगी, ये सेकंड वाले को हमेशा रहता है, हमेशा लगता। सही बात, किसी भी कंपटीशन देख लो उठा के। तो हार को पचाना और जीत को पचाना दोनों को पचाना आना चाहिए आपको। सही बात है, जो इंसान हार नहीं बचा सकता मेरे ख्याल से गुरुजी वो जीत बिल्कुल नहीं अपनी कमी को तो सीखता ना, वो अपनी कमी को देखना चाहता है। सही बात, उसका कोटा फुल हो गया फिर। तो गुरुजी आई होप सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा इसका, जैसे गुरुजी ने चुप्पी तोड़ी आज फाइनली। वैसे तो गुरुजी कह रहे भाड़ में जाने थे, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को बोलने की, बट फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके गुरुजी ऐसा सवाल उठाया तो उसमें हमारे पॉजिटिव भाई भी जो है, मैं तो नेक्स्ट डे फिर अपनी अगली टीम में लग गया था, चलो अब अगली कंपनी की तैयारी। सही बात है, तो फिर भी जैसे हम भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, हमें पता नहीं है तो लोग ऐसे बोलते हैं गुरुजी क्यों नहीं बोले, तो हमारे भी दिमाग में सवाल आ जाता है। आई होप सबको आंसर मिल गया होगा। अब जानते हैं गुरुजी से गुरुजी की स्ट्रगल स्टोरी। गुरुजी आपने जो वर्कआउट शुरू करा था उन दिनों आपके पास क्या फैसिलिटीज़ थी और किन कंडीशंस में आपने शुरू करा था ये वर्कआउट? अगर बॉडी बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो मैंने 97 से सीरियसली बॉडी बिल्डिंग को लेना शुरू किया गुरुजी के पास। पहले दिन जिम जो गए थे वो क्या सोचे गए थे गुरुजी? जिम में तो ऐसे कैसे लगा कि अब मुझे तगड़ा होना या बॉडी हाँ, बनानी है? यही सोच होती है हाँ। मैं हालांकि मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था शुरू से बचपन से ही अच्छा, लेकिन करना कौन सा स्पोर्ट्स ये बिल्कुल नहीं पता था अच्छा। फिर जब थोड़े बड़े हुए जिम में जाने लगे अच्छा, जिम में ऐसे सबको शौक होता है बॉडी बनाने का अच्छा, भाई थोड़ा सा तगड़ा दिखे हाँ। जवानी में सबको शौक होता है हाँ, सबको होता है। हम भी चले गए, करते 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 वो एक एडिक्शन बन गया अच्छा, एडिक्शन बन गया। तो किसी को देख के मेरा एक कलीग था नरेश मान, तो वो गुरुजी के पास हाँ, उससे पहले मैंने कंपटीशन देखा था अच्छा। उस कंपटीशन में जो विनर थे मिस्टर दरिया सस्वाल जी हाँ, मेरे गुरु भाई भी हैं हाँ, उनको देख के मुझे पता लगा ये वहाँ गुरुजी के पास ट्रेनिंग करते हैं धवन सर के हाँ, पास हाँ, धवन गुरुजी के पास हाँ। तो उनका पूछ के मैं नरेश जाता था उनके पास अच्छा, नजफगढ़ से अच्छा। तो उससे पूछ के उसके साथ गया मैं 9 सितंबर 1997 की बात है ये अच्छा 97 की हाँ। और जिस दिन गया था उस दिन के बाद से हाँ। मैं आज तक उन्हीं के साथ हूँ आज तक। तो गुरुजी से भी उतार चढ़ाव आए, गुरुजी से भी हमने ये बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो गुरु की रिस्पेक्ट देखो मैं तो शुरू से करता हूँ क्योंकि फादर टीचर है मेरे हाँ। मेरे गुरु ही पापा हैं तो वो भी देखता है और उनकी जैसे बच्चे रिस्पेक्ट करते थे जब मैं बहुत छोटा था तो उनके स्टूडेंट्स आज तक उनके पास आते हैं। फिर गुरुजी से भी आके सीखा कि इतने बड़े लेवल पे जाके गुरुजी भाई कहते मैं अपने आप को वहाँ नहीं समझता बट हमें पता है गुरुजी के इतनी सारी अचीवमेंट्स देख के भाई किसी को आज के टाइम में इतनी अचीवमेंट मिल जाए ना गुरुजी मुझे तो नहीं लगता उसके पैर भी जमीन पर आएंगे। आप लोगों के अभी ही नहीं है हाँ। थोड़े से सोशल मीडिया पे हाइप मिल जाती है हमें तो गुरुजी ये सिखाया हाँ। जीतने के बाद अगले दिन से फिर अपने काम में हाँ। लगाओ। तो गुरुजी आज भी हर ट्यूसडे अपने गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी ने जो डिसिप्लिन सिखाया जो उनकी रिस्पेक्ट सिखाई है गुरुजी ने मुझे बताया कि आज भी गुरुजी अपना फ़ोन जिम में घुसते ही लॉकर में रख देते हैं और अगर गुरुजी से बात कर रहे हैं तो गुरुजी के हाथ में फ़ोन नहीं हो सकता। आज भी हिम्मत कह लो उनकी नहीं है या वो रिस्पेक्ट का दर्जा उतना है कि गुरुजी फ़ोन भी यूज़ नहीं करते उनके सामने। तो इस तरह से भाई गुरुओं की रिस्पेक्ट करो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज जो गुरुजी यहाँ बैठे हैं आप लोग इतना प्यार करते हो इतने सारे अचीवमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं गुरुजी गुरु का आशीर्वाद भी तो होता ही है। बिल्कुल गुरु का आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद सपोर्ट। तो गुरुजी तो जैसे आपने वर्कआउट शुरू करा तो उन दिनों डाइट वगैरह के पैसे कैसे घर से मिलते थे या कमा लिया करते थे या वो जो स्ट्रगल रहा होगा कि
मैं असल में उससे पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, मैं गुरुजी के पास गया ना। अच्छा, उससे पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। तो उस एज में जॉब लग गई थी तब? हाँ, मैंने डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, एक बात और बता दें, गुरुजी और मैं दोनों इंजीनियर हैं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गुरुजी मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, हाँ, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हाँ, अच्छा, वो मैं छोड़ के फिर मेरा स्पोर्ट्स में करने का मन तो था ही, वो छोड़ के फिर मैं गुरुजी के पास गया था। अच्छा, जिस दिन से मैंने वो छोड़ दिया फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं किसी कंपनी में दोबारा ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो शुरू शुरू में जो मेरे बड़े भाई हैं, हाँ, बाबूजी तो हमेशा ही मना करते थे। अच्छा, वो आज तक भी खुश नहीं कि मैं गेम कर रहा हूँ। अच्छा, उनको मेरे अचीवमेंट से बिल्कुल कोई हुआ। हाँ, जब बाहर किसी और के साथ बैठे हुए तब बताएंगे, उनको जरूर बोलेंगे मेरा बेटा ये, मेरे मुँह आज तक नहीं बोला। गुरुजी के फादर और हमारे फादर भी सेम। तो मेरे से बड़े वाले भाई ने बहुत हेल्प करी शुरू में। अच्छा, एक दो साल। हाँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा, एक तो मेरी जॉब लगी थी, एक दो साल करने के बाद मेरी रेलवे में जॉब लगी। अच्छा, थोड़ा कुछ वहाँ से सैलरी मिलना शुरू हुई, जब मेरे ख्याल 7-7.5 हज़ार रुपये मिलते थे। अच्छा, फिर 2000 में मैंने जिम लगा लिया। रेलवे में जॉब लगी थी आप? रेलवे में। तो गुरु जी की रेलवे में जॉब लगी थी, सरकारी जॉब, जिसके लिए आज तक भी लोग मरते हैं। हाँ, भैया सरकारी जॉब है तो ये अपनी लड़की देंगे, घर में भी आएंगे। तो गुरुजी ने गेम के लिए इतना पैशन था, इतना स्पिरिट था कि गेम के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी। मैंने 5 साल करी, फिर मुझे लगा गुरुजी जब जॉब छोड़ी तो दिमाग में आया नहीं कि यार इधर से पैसे आ रहे हैं 7,000 रुपये, इधर से आएंगे नहीं आएंगे? पैसे की बात नहीं, ये मन में फियर भी था, जॉब छोड़ के तब तक मैं मिस्टर इंडिया भी नहीं बनाता। अच्छा, मैं जॉब छोड़ दूँ और उधर कामयाबी ना मिले, था तो रिस्क। अच्छा, लेकिन लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपकी ग्रोथ भी नहीं है। डेडिकेशन पक्का होना चाहिए, मैं कर लूँगा। घर वाले ने बहुत अपोज करा, मेरे जो भी जानने वाले थे उन्होंने कहा भैया को जब घर उन से वो छोड़ रहा है, लोगों को छोड़ के पता नहीं कल को खेल में कामयाब नहीं होगा फिर क्या करेगा। सही बात है। तो पर मुझे ये था नहीं, मुझे करना है, गेम ही करना है। तो गुरुजी अभी जल्दी में एक मुद्दा उठा के, एक बॉडी बिल्डर जमीन पे सो गया, जैसे खेलने जाते थे तो वो नॉन एसी उसमें जाते थे हम ट्रेन में, केरला गए तो 50-55 घंटे रास्ता होता था। अब तो फिर भी फ्लाइट अब तो वो फ्लाइट पकड़ी आके होटल में सो गए, खिलाड़ी के पास पैसा आने लग गया। हमारे टाइम में नहीं था पैसा, गेम में बिल्कुल नहीं था। तो हम तो कई बार ऐसा भी हुआ, वो सीट नहीं मिली तो रेल के फ्लोर पे कमर पे छा के उस पर लेट के चले गए, टीटी से बात करिए भाई नहीं मिली, अब खेलने जाना है, चलो भाई। हाँ, खिलाड़ियों की तो वैसे भी खिलाड़ी थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिल जाती है। हाँ, तो कई बार फ्लोर पे लेट के भी गए हम, तो वो जो ट्रेन में नीचे ट्रेन में, हाँ बिल्कुल, कंबल उड़ा सो कंबल बिछाया अपना और लेट गए। 55 घंटे का ट्रैवल होता था गुरुजी के, 55-56 घंटे का ट्रैवल। डाइट वगैरह कैसे मैनेज होती थी, जैसे सपोज करो 2-3 दिन बाद 30-40 तो अंडे एक डब्बे में भर के ले जाते थे, बोले खराब नहीं होते थे वो, जैसे गर्मी कई बार स्मेल होना शुरू हो जाती थी फिर भी खा जाते थे हम तो। रस्ते में कोई इडली विडली ले जाता तो ठीक है, तो थोड़ा सूखा अपना पैक करके ले गए, सीवड़ा बनवा गए। अच्छा, और ये फ्रूट रख लिया साथ में थोड़ा सा। अच्छा, हाँ बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे ख्याल से 12-13 घंटे में तो अंडे खराब हो जाते हैं अगर उनको ना रखा जाए वैसे। आप हम तो 2-2 दिन भी चला देते, 2-2 दिन देखो मतलब अंडे सड़ने के बाद भी खाएंगे जी आपने कह रहे, मतलब ये तो दुनिया का देख लो स्ट्रगल। वो ऐसा टाइम था, गुरुजी ने एक बार बोल दिया कि भाई लंबा सफर है, वजन तुम्हारा कम ना हो, 2-2 बोतल 2-2 लीटर की 4 लीटर अपनी कोल्ड ड्रिंक रखो और 5-7 ले जाओ बड़े बड़े चॉकलेट, उनको खाते चले जाना। अच्छा, आज का बॉडी बिल्डर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, हम कुछ सोचते नहीं शुगर, अरे हाँ कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, जाते ही कंपटीशन है। हाँ, हम कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, बिस्किट वो चॉकलेट खाते जा रहे हैं, जो और एथलीट दिल्ली के वो सोचे ये दाजी वाले क्या कर रहे हैं, और फिर भी जीत के आगे मेडल यही लेके आएंगे। विश्वास में इतनी ताकत होती है, बॉडी पॉजिटिव रहे ना, माइंडसेट पॉजिटिव, तो बॉडी जल्दी से चेंज नहीं होती, नेगेटिविटी आती है जब बॉडी एकदम से वो करती है। गुरुजी आप एक बार मुझे एक बता रहे थे कि कई बार आपको जैसे घर से 5 रुपये मिल गए बस में ट्रैवल करने के लिए, तो वो बस में ट्रैवल ना करके आप जिम तक जाने के लिए आप पैदल चले जाते थे या किसी से साइकिल मांग के चले जाते थे? ऐसा था, 5 रुपये के तो अंडे खा लूंगा, अंडे खाने के पैसे घर से तो मिलते नहीं थे। अच्छा, दूध दही ये था घर पे। हाँ, तो मोंटू जी हैं उनके पास में जाता था जनकपुरी में। अच्छा, तो बोले भाई 2 अंडे रोज खाने, वर्जिश कर रहा है रोज। अच्छा, अब अंडे पैसे घर फिर मिले नहीं, 5 रुपये स्टेज की, 5 रुपये ये नहीं मतलब शुरुआती दिनों की, ये गुरु जी के पास गए उससे पहले की बात है। अच्छा, तो वो जो 5 रुपये बस के किराए के मिलते थे रोज, अब वो मगर ये इसको बचा के इसके अंडे खाऊंगा और मैं बस की बजाय साइकिल से निकल जाऊंगा। अच्छा, घर पे एक एटर साइकिल होती थी बाबूजी की। अच्छा, सुबह सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे रेडी हो गए और मैं जिम पे निकल जाता था साइकिल उठा के। अच्छा, 16 किलोमीटर पड़ता जिम,
16 किलोमीटर रोज जाना और रोज आना साइकिल 32 किलोमीटर, और वो जो 5 रुपये बचाता था उसके रोज 2 अंडे खाए, 2 अंडे उसी में खुश था। तो भाई ये है स्ट्रगल, जैसे मैंने अपनी वीडियो में उस दिन बात बोली थी कि 30 साल का स्ट्रगल करके आज गुरुजी यहाँ है, इतना लोग लेजेंड बोलते हैं या VIP बोलते हैं या वो चीज़ें आँखों को नहीं भारी कुछ लोगों की, VIP सेक्शन में गुरुजी खाना क्यों खा रहे हैं। तो भैया 30 साल दिए और ये स्ट्रगल भी देखे, जमीन पर भी सोए, ट्रेन में भी फ्लोर पर सोए हैं, 55 घंटे का ट्रैवल किया है, सड़े हुए अंडे भी खाए हैं, 5-5 रुपये बचा के अंडे भी खाए हैं, तो चलो ठीक है। तो गुरुजी जैसे आप गुरुजी के पास गए डे वन से आपने तैयारी शुरू कर दी कि एम था, एक फोकस था, एक पैशन था कि भाई गेम करना है, तो गुरुजी जैसे हर बच्चे की लाइफ में 19-20 साल के, बहुत सारे लोगों का ये मुद्दा है कि पढ़ते नहीं है या कोई भी काम करें उसका फोकस करके नहीं बात कर पाते, तो इस तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया, कभी कोई गर्लफ्रेंड आई हो मतलब वो जवानी के दिनों में कोई लड़की अच्छी लगी हो या उसके लिए टाइम वेस्ट कर दिया हो, या कभी ऐसा ब्रेकअप ये वो जो आजकल लोगों की लाइफ में चल रहा है, ऐसा हुआ कभी गुरुजी? नहीं, वो कभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे अगर वैसे डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरा ना प्रायोरिटी भी गेम होता है, हमेशा ट्रेनिंग होती है, गेम भी क्या मेरी ट्रेनिंग होती है, मुझे दो चीज़ों में से एक को चूज़ करना होता है तो मैं हमेशा ट्रेनिंग को चूज़ करता हूँ, नहीं पहले अपनी ट्रेनिंग करूँगा फिर कहीं जाऊँगा, तो वो इसलिए अगर मैं किसी और चीज़ को टॉप पर रखने लग जाऊँगा तो गुरु जी फाइनल आंसर से ना मिला, गर्लफ्रेंड थी नहीं थी जब मैं, तो ये ट्रेनिंग मेरी गर्लफ्रेंड है आज भी यही है, रियल में तो आज भी यही है। तो गुरु जी पहली अचीवमेंट जो हुई बड़ी, तो जैसे बाबूजी आज बता रहे हो आज भी खुश नहीं होते, मेरे पापा क्या पता नहीं क्या कैमरा उठा के घूमता था, अच्छा खासा इंजीनियर बनाया था, जबकि उन्हें दिख रहा है कि एक इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा है, अच्छा काम भी है, अच्छा नाम भी है, हर चीज़ ठीक है, पर उनको यही है कि मैंने इंजीनियर बनाया तो इंजीनियर क्यों नहीं बना, बाहर तारीफ कर देंगे। तो जब पहली अचीवमेंट मिली, पहला मेडल कब लगा गुरु जी? पहला मेडल मेरा लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी 97 में शुरू किया था, 98 मार्च में मेरा पहला मेडल लगा। तो कौन सा लगा था गुरु जी? दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्टेट, दिल्ली स्टेट सिल्वर था, अच्छा दिल्ली स्टेट और दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड था, पहला गोल्ड था या सिल्वर था? पहला सिल्वर था, अच्छा पहला सिल्वर था, उस पर गुरु जी बाबू जी की क्या वो थी और गुरु जी की क्या वो थी? बस बाबू जी रेट नहीं करते कभी, मैं आज शुरू से ही जब अच्छा। भी मेडल लेके गया बस ठीक है आते रख दिया बैठी, अच्छा। ना ये पूछा कहाँ से जीत के आया, क्या आया, बाहर अच्छा। से आया है, दिल्ली से आया, उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। और गुरु जी का क्या वो था? गुरु जी तो कपड़े गंदे, वो तो गुरु से बढ़ के तो कोई खुश होता नहीं है। अच्छा मेरी मदर तो माँ तो 93 में एक्सपायर हो गई थी, अच्छा हो सकता वो होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती, माँ तो बहुत खुश होती, इतनी सी अचीवमेंट उसमें तो माँ बिल्कुल, तो गुरु और माँ का नेचर ना जैसा ही होता है। हाँ सही बात है, तो क्योंकि जब मेरे भी बच्चे मेडल लेके आते तो वो मैं फील करता हूँ कि गुरु जी को कितनी खुशी होती होगी। एक बार तो स्टेज पे चढ़ के जैसे सब 10 कलर में खड़े होते हैं, जैसे मैं फर्स्ट टाइम ओवरऑल बना, वो सीधे जाके स्टेज पे चढ़ के और उन्होंने ऐसे भी नए कपड़े पहन रखे थे, इतनी खुशी, हाँ इतनी खुशी, और फिर अगली बार उन्हीं कपड़ों को पहने गए कि भाई ना ये लकी है, मैं पिछली बार ये पहन के आया था ओवरऑल बना था, वो थोड़ा सा वो है ज़्यादा मानते हैं चीज़ें, तो अगली बार अगले साल फिर वही पहन के गए वो, तो आया फिर अगले साल में, फिर अगले साल फिर ओवरऑल बने थे गुरु जी, मैं सूट मंगवा के पैंट पहन के जाऊँ ये जितने भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं बच्चों के लिए, हाँ इनमें वही। तो गुरु जी ज़्यादा खुशी, सबसे सबसे ज़्यादा खुशी जिंदगी में कब हुई, मतलब अपने पहले मेडल पे या आपका अपना तैयार करा हुआ कोई चेला मेडल लेके आया होता हुई? वो दोनों ना थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग है। अच्छा जब आपका मेडल कंपेयर नहीं कर सकते इस खुशी, हाँ मेरा मेडल लगा तो मुझे एकदम से वो ना मुझे कोई घर से ना पेरेंट्स, मुझे सामने बस गुरुजी दिखे, हालांकि दिखे नहीं भीड़ में लेकिन मेरी नज़रों के सामने थे। अच्छा मेडल लगते ही जैसे सबसे पहले मैं ओवरऑल जब बना था ना, अब ओवरऑल टाइटल मिलते ही ना जितनी भीड़ है सारी आप पे फोकस हो जाती है, तो वो बड़ी रेयर फीलिंग है, और वो एक अलग फीलिंग है जब आपका स्टूडेंट कोई चैम्पियन बन के आता है, दोनों ही पीक पे होती हैं लेकिन थोड़ा सा वो दोनों डिफरेंट। तो गुरुजी अभी अभी जिम में मतलब कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनसे उम्मीद है कि ये इंटरनेशनल लेके जाएंगे गेम को? हाँ वैसे तो अगर मैं एथलीट की बात करूँ, मेरे पास पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग मैच में बहुत बच्चे हैं अभी अच्छा कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, लेकिन इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ कि भाई जिनसे बड़ी उम्मीद है पावर लिफ्टिंग में तो भास्कर, अभी वो इंडिया का रिकॉर्ड भी उसी के नाम बेंच का, अच्छा 105 में हाइएस्ट बेंच भी वही करता है, अच्छा और वो बिल्कुल नज़दीक है एशिया रिकॉर्ड के, अच्छा 324 का एशिया रिकॉर्ड 105 केजी में 105 किलो में, और वो 317.5 तक हमने लगा रखी है, वो किसी भी मोमेंट पे उस 324 को टच कर सकता है। अच्छा तो मुझे उम्मीद है वो जब भी इंटरनेशनल के लिए जाएगा तो वो एशिया रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर मैं मेंस फिजिक की बात करूँ तो राहुल
जो अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो और भी कई टैलेंट है, कमी नहीं है। राहुल से मुझे बहुत उम्मीद है, वो बिल्कुल एज पे खड़ा है, एज पे कदम बढ़ाते ही वो ओलंपिया स्टेज पे है। बस वो लोग उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, हालांकि बहुत मेहनती है और मेहनती तो इतना है कि जब मेरे पास आया था एक ऑटो चलाता था, मैंने देखी वो स्टोरी, और आज वो गेम को भी टॉप पे रखा हुआ है। उसके पास अपना दो घर भी हैं, अपनी गाड़ी है, अपना काम भी, अपना जिम भी है, सब कुछ है। कुछ लोगों को लगता है ना कि खिलाड़ी को मिलेगा क्या, तो मैं बोलता हूँ अचीवमेंट तो दो, वो अचीवमेंट दोगे तो भाई वो जो रिसोर्सेज है वो अपने आप धीरे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाती है। उनको कैश तो आपको ही करना पड़ेगा, कैश तो खुद करना पड़ेगा, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस दे नहीं रहे हो और सोचते पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं तो कहाँ से आएगा भाई। ऐसे तो आपने पढ़ पढ़ लिया, सर्टिफिकेट भी इकट्ठे कर लिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD कर लो, सही बात है, आप भीड़ से अलग नहीं, तो लेके घूमते रहो डिग्रियाँ, सही बात है। तो पढ़ाई करके भी तो वही आगे निकलते हैं जो जिन्होंने थोड़ा सा भीड़ से अलग हटके काम करा। तो गुरुजी एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे ये गुरुजी लोग होते हैं, या डायरेक्ट आपके लिए बात थी, मुझे उतना उसका आइडिया नहीं है, कि 5-6 मेडल साल में ले आते हैं, इस तरह से ये मार्केटिंग करते हैं। तो गुरुजी हमारे जिम के आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, कितने मेडल आते होंगे जिम में हमारे हर साल के? देखो एक तो पहली बात तो ये है, अगर आप सिर्फ नेशनल लेवल के मेडल को मेडल काउंट करोगे, हालांकि वो भी मेरे पास बहुत है, पावर लिफ्टिंग के भी आते हैं मेरे पास, मैंने बीच में पंगा लिया वेट लिफ्टिंग का, तो उसमें भी मेडल आए मेरे पास, उसमें मेडल है, सही बात है। और बॉडी बिल्डिंग मेंस फिजिक क्लास फिजिक मेरे, अब कुछ लोगों ने को लगता है सिर्फ शेरू क्लास में हमारे 6 मेडल आए, तो भाई और कितनी चैंपियनशिप होती है पता है? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल की बात करूँ तो IBBF का नेशनल है, पावर लिफ्टिंग का नेशनल है, जूनियर सीनियर मास्टर्स गर्ल्स का बॉयज़ का, तो 150+ मेडल मेरे आते ही हैं साल के 100 से 150+ मेडल। छोटा सा कंपटीशन भी अगर हुआ कोई 6 महीने किसी बच्चे को आते हुए वो मेरे पास, और वो कोई ओपन छोटा सा कंपटीशन है क्लासिक, वहाँ मेडल लिया है, तो उसके लिए वो बहुत मैटर करता है, वो भी मेडल में काउंट होगा। मैटर करता गुरुजी, बिल्कुल मैटर करता, क्योंकि पहली जो अंदर की वो नर्वसनेस है वो तो छोटे स्टेज से बिल्कुल वहीं से शुरू होता है, छोटे मन से निकलेगी। तो नेशनल लेवल पर भी हमारे बहुत एथलीट है, अभी राहुल जूनियर में रिकॉर्ड करके आया स्क्वाड का नेशनल, अच्छा 340.5 की उसने स्क्वाड लगाई, अभी 22 साल गई है, 22 साल के लड़के ने वो नेशनल रिकॉर्ड करके आया अभी। तो गुरुजी आप जो खेलते थे वो IBBF से खेलते थे ना? IBBF जिनको नहीं पता, IBBF सॉरी जिनको नहीं पता बता दूँ, बहुत अच्छी फेडरेशन है, सारा एलीट एथलीट वही था, एलीट एथलीट उस टाइम भी वही था। और उस टाइम पर जिस टाइम पर हम गुरुजी की बात कर रहे हैं, जिनको ये अचीवमेंट मैंने बताए, उस टाइम पर लोगों के गोल्ड मेडल भी नहीं लगते थे आसानी से, ये हाल था उस फेडरेशन का। और गुरुजी 6 बार रहे ना गुरुजी? मैं 4 बार ओवरऑल चैंपियन रहा हूँ, 4 बार मिस्टर इंडिया रहा हूँ, 6 बार मिस्टर इंडिया उस फेडरेशन से, हाँ। और 4 बार ऑल ओवर चैंपियन, जिनको छोटे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हमारे 18 साल 16 साल के भी हैं, उनको भी बता दूँ, और चैंपियन ऑफ चैंपियन, मतलब कि जितने भी लोग आए ना, वहाँ जितनी भी भीड़ गई है खेलने, उनमें सब में से जो स्टार है दैट इज चैंपियन ऑफ चैंपियन, वो हमारे गुरुजी 4 बार रहे। एक बार ओवरऑल चैंपियन बनना आसान है, लेकिन बार बार बनना बड़ा टफ है, बहुत टफ, क्योंकि उसके बाद कैटेगरी में भी गोल्ड आ गया ना आपका, तभी लोग कहेंगे नहीं ओवरऑल ही बनना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा प्रेशर भी है, प्रेशर भी और है। अगर आपको अपने गेम को एंजॉय करते हो तो फिर वो उसका मजा ले रहे हो तो फिर वो तो कोई मुश्किल भी नहीं है। एक सवाल और है गुरुजी मेरा, तो जैसे गुरुजी आपने बहुत टाइम दिया बॉडी बिल्डिंग को, अब जैसे मैं भी कोई गेम खेलूँ और उसमें बहुत टाइम दे दूँ, उसके बाद गेम स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने बॉडी बिल्डिंग को स्विच कर गया पावर लिफ्टिंग में चलेगा, और पावर लिफ्टिंग में जाके USA में अमेरिका में जाके मेडल ले आया, तो या तो इंसान शुरू से की चीज़, अब पहलवान आदमी शुरू से पहलवानी कर रहा है, उसको एकदम से बोलो पावर लिफ्टिंग कर ले, बिल्कुल, या पावर लिफ्टर को बोलो पहलवानी कर ले, या बॉक्सर को बोले तो बॉडी बिल्डिंग कर ले, तो वो बहुत गेम पलट के मेडल लाना तो बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल, इतने साल के गेम के बाद, इतने साल एक दो साल हुआ तो कोई नहीं, जब मर्जी स्विच कर लो, कि भाई अभी तो नए नए हैं, हनी ने आज शुरू करी है बॉडी बिल्डिंग, लेकिन इसको बॉडी बिल्डिंग समझ नहीं आई, बिगनर है, चल पावर लिफ्टिंग घुस गया, वो समझ में, लेकिन जहाँ मेडल पे की बारिश हो रही है, नाम भी हो रहा है बॉडी बिल्डिंग, उसके बाद गेम स्विच, गुरु जी वो क्यों करा और कितने साल बाद? क्योंकि एक तो हम उस टाइम पे पीक पे खड़े थे अपने फेडरेशन में बॉडी बिल्डिंग में, अच्छा, और वहाँ से एकदम से स्विच करना, वो थोड़ा सा कोई फेडरेशन के साथ इश्यूज थे, वो मतलब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है वहाँ, फिर कोई बात होता, क्योंकि उसी फेडरेशन ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, इतना नाम भी दिया है, कोई छोटी मोटी बात ऐसी होगी तो, लेकिन तो गुरुजी ने बोला भाई अब स्विच करते हैं, बहुत हो गया बॉडी बिल्डिंग, मुझे बताओ, बोला पावर लिफ्टिंग में चलते हैं,
तो गुरु जी आपने बात मान ली गुरु जी? मैंने आज तक उनको पलट के ये नहीं पूछा जी ऐसा क्यों क्यों, वो आज तक भी नहीं। तो भैया जितने भाई हमारे देख रहे हैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लेना, आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल का जो यूथ है हमारा, अपने गुरुओं को ये समझता पैसे दो काम कराओ काम निकला भाड़ में जाओ, तो भैया ये चीज़ नहीं होती है। जैसे माँ बाप की इज्जत होती है उनकी पूजा की जाती है, जैसे भगवान की जाती है ऐसे ही गुरुओं को पूजा जाता है भैया। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है और हम भी यही सिखा रहे हैं। गुरुजी से आज ये बात सुनकर मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी ने पलट के बाप से भी पूछ लेता इंसान की पापा ऐसे क्यों कह रहे हो। हाँ, है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर दोगे ना हाँ तो फिर वो गुरुजी भी अगली बार सोचेगा कुछ बोलने से। सही बात है यार, ये कहीं मानेगा नहीं मानेगा। आज इतने मैंने तो आज तक वो कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये नहीं करना अभी, अब ये करना, ये करना, चला ये कर। आज अगर कितने सारे चैंपियन बन गए हमारे, अगर हाँ। हम शेयर क्लास से ही देखें गुरुजी, आज इतने हाँ। सारे बच्चे आते हैं, आप ही बोलो सुन अगली बार से तू बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा पावर लिफ्टिंग करेगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगली बार कोई स्टूडेंट आए भी ना। हाँ कि गुरुजी पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि अब तो मेरा पीक आया है, अब मैं चैंपियन बनाऊँ, और गुरुजी कह रहे हैं अब गेम चेंज कर ले, पावर लिफ्टिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता, अब चैंपियन बन के मैं वहाँ जाके शुरुआत करूँगा और उसमें कुछ हो या ना हो। तो वो वही है बिलीविंग की बात है, आपका बिलीविंग सच्ची है तो फिर उसमें भी तैर जाते हो धीरे धीरे करके। हम वहाँ से भी ओलंपिया में मेडल लिया है, तो वहाँ से गुरुजी मैं तो खेल ही गया था, गुरुजी ने दोनों यही था चलो यार पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड उतना नहीं था। जैसे जैसे सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैं शुरू से जानना चाह रहा हूँ कितने साल के बाद स्विच करा था गेम? 97 में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया और 2013 में हम फर्स्ट टाइम वो खेल। 97 से 16 साल, 16 साल के बाद, 16 साल तो मैं कह रहा हूँ कोई भी इंसान शुरू करे ना अपनी ज़िंदगी का कैरियर का, 16 साल में आधी ज़िंदगी निकल जाती है। बिल्कुल, तो 16 साल बाद आपने गेम स्विच कर लिया। हाँ। गुरु जी के कहने पे। हाँ गुरु जी कहता दिल में चढ़ गए आज। अब जब स्विच करा गेम तो उसके बाद फिर कितना टाइम लगा यूएस जाके गोल्ड मेडल लाने? 2017 में हमारा 4 साल बाद वहाँ पे ओलंपिया के लिए सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पे हालांकि मेरा जो स्टैंडर्ड था लिफ्टों का वो था नहीं ज़्यादा अच्छा, जो और लिफ्टर थे मेरे से 100-100 किलो आगे था स्टार्टिंग का। जब आपने शुरुआत की थी? नहीं, जब मैं खेलने गया अच्छा लास वेगास। अच्छा, मेरे से 100 किलो आगे स्टार्ट था उनका, लेकिन वो आता ना कई बार आप हिम्मत करते हो तो लग भी साथ दे जाता है। उसमें उस दिन 4 लिफ्टर जो टॉप के लिफ्टर थे वो 4 वॉश आउट हो गए। वॉश आउट तब होता आदमी जब तीनों लिफ्टें किसी इवेंट की फेल हो जाए, या तो स्क्वाट की या बेंच की। अच्छा, वो डेड लिफ्ट जाते जाते 4 जो मेरे से आगे थे वो 4 वॉश आउट हो गए, 4 फेल हो गए। हाँ, हमने अपना बेस्ट किया वहाँ पे, जितना हम यहाँ करे थे उससे थोड़ा और अच्छा किया और गोल्ड लग गया। गुरु जी सीधा सीधा तो कई बार लक भी आपके साथ, ये तो बहुत बड़े लक की बात है। चलो एक समझ में आता, 2 समझ में आते हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम भाई पावर लिफ्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। हाँ, उस दिन हमारा लक भी साथ था, लक भी साथ। हाँ गुरु जी, फिर अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत के साथ थी सबसे मेन चीज़, तो नियत साफ होना। बिल्कुल, जैसा आपने बताया गुरु जी ने बोला गेम स्विच करो, बात खत्म है ना। शुरू कराई बॉडी बिल्डिंग से, ख़त्म तो खैर आज भी नहीं हुआ, लेकिन बीच में आ गए पावर लिफ्टिंग में। तो गुरु जी जब शुरू की जर्नी से लेके अब तक ये सोचा था कभी कि इतना प्यार मिलेगा दुनिया से, या एक इंडिया के बॉडी बिल्डिंग का या पावर लिफ्टिंग का ऐसा फेस बन जाओगे आपकी, मतलब जब बच्चे बच्चे भी देखते हैं आज भी तो आधे बच्चों के तो कमेंट आते हैं भैया ये जो आपके गुरुजी हैं ना ये रॉक की तरह लगते हैं जैसे वो रेसलर लोग। तो कभी गुरुजी सोचा था कि इतनी आगे आ जाओगे? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं सोचा, और मुझे तो खैर ऐसा आज भी नहीं लगता कि मैं कोई बड़ा हो गया उस गेम में। अच्छा, पर लोगों का फिर भी इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए तो उनको थैंक्स ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हो गया, लेकिन मेरे एथलीट है ना वो इससे बहुत आगे जाएंगे। हाँ, जितना हमने जहाँ पे अपना गेम फिनिश किया है वो उससे बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा मतलब आपसे प्रॉमिस है बहुत आगे कि ओलंपिया के स्टेज पे भी हमारा एथलीट जरूर जाएगा। हाँ, और बॉडी बिल्डिंग में मेंस फिजिक या क्लास फिजिक किसी में भी जाए या तीनों में भी जा सकता है आने वाले टाइम में, पावर लिफ्टिंग में भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने एथलीटों पर। बिल्कुल, तो भैया जब गुरु जी को इतना भरोसा तो कोई ना कोई स्टूडेंट जाएगा लेके आएगा। मैं बहुत एंड में जोड़ा हूँ बुढ़ापे से मैं आके, वरना गुरु जी सपना आपका जरूर पूरा करता हूँ मैं, अगर मैं जवानी के दिनों में आ जाता तो। नहीं, आपसे भी बहुत उम्मीद है। क्या मेरे से? किस चीज़ की? बिजनेस में? नहीं, बिजनेस करूँगा पक्का। बिल्कुल बिजनेस में गुरु जी, आप ये बोलोगे कि मेरा एक बच्चा इस काम में लाइन में स्टार है। हाँ, क्योंकि एक वो आदत होती है ना आदमी की, मुझे ये परफेक्शन की, मेरा शुरू से वो चीज़ नहीं, मुझे मैं ये काम कर रहा हूँ ये परफेक्शन के साथ करना है, वो जो भूख होती है परफेक्शन की, परफेक्शन वाली वो है आप में। हाँ,
मेरे को ये कोई भी चीज हल्की सी भी समझ में नहीं आ रही ना, चाहे 6 महीने लग जाए, हाँ, चाहिए। तो मेरे को शुरू से बचपन से ना ये भूख नहीं थी कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं, वो नहीं आई मेरे अंदर। पर मुझे ये था कि मैं फिट दिखूं, सुंदर दिखूं, अच्छा दिखूं और पैसा कमाऊंगा। जब भाई और तरक्की कर जाओ जीवन में, तो एक एथलीट ऐसा पकड़ लेना जिस जो इंडिया के लिए बाहर कुछ करके आया। अरे गुरुजी बिल्कुल, ये तेरा आज से बिल्कुल गुरुजी, यहाँ मैं चेक बुक दे जाऊंगा कि जो बच्चा तंग दिख रहा है उसे चेक फाड़ के दे दो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी पहला आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पहला कह रहा हूँ आखिरी सवाल गुरुजी से, क्योंकि भाई देखो जैसे गुरुजी आज इस लेवल पर बैठे हैं और गुरुजी बहुत मोटा कमाते हैं भाई, जिनको ऐसे लगता हो कि जिम में बैठे हैं, ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली बात है। और गर्मी भी लगती है जिम में कभी कभी, एसी ऑन कर देते हैं, अदरवाइज बंद ही रहते हैं जिम के अंदर, कोई गाने अलाउड नहीं, किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो बहुत सिंपल ट्रेनिंग होती है। तो कुछ लोगों का ये कहना गुरुजी कि गुरुजी जिम में जाते ही फीस मांग लेते हैं, तो गुरुजी की आदत बड़ी वैसी है। देखो एक तो मैं फ्री का बोर्ड लगा के बैठ जाऊँगा, हाँ ये 200 बजे का प्लॉट इसमें कहाँ खड़े करूँगा बच्चों, और वो फ्री गाइडेंस में हम दे रहे बताऊँगा कैसे दे रहे हैं। तो फ्री आप किसी को दे के ख़राब कर सकते हो, उसका भला नहीं कर सकते। सही बात है, एक मिनिमम फीस है जिम की, हाँ वो तो पे करना ही पड़ेगा, हाँ। नहीं तो कोई भी चलता फिरता आ जाए जी मैंने ट्रेनिंग करनी, हाँ चाहे वो सीरियस है या नहीं, हाँ है। अब वो फीस पे करके आप मेंबर बन गए, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। जब भी मुझे किसी एथलीट में पोटेंशियल दिखता है, हाँ कि हाँ ये अच्छा कर सकता है, लेकिन अभी राइट नाउ ये किसी फाइनेंशियल इश्यू की वजह से लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, तो फिर मैं उसकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, मैं करता भी हूँ। और ऐसा भी नहीं किसी बच्चे को शर्मिंदा होने देता हूँ, हाँ। किसकी हेल्प कर रहा हूँ दूसरे को पता नहीं लगता। सही बात, बच्चे सुन ही रहे हैं, हाँ। जिसको मैं जिस तरीके से हेल्प करता हूँ वो सब। मैंने भी अपने वीडियो में उस दिन बोलते बोलते रुकाना, मैंने कहा भाई मैं नई चीज़ें बताना चाहता, क्योंकि गुरु जी ने आज तक कुछ नहीं बताया, बच्चों ने बताया कि भैया गुरु जी ने मेरे लिए करा, गुरु जी ने वो क्या पिछली बार वो राजकुमार था लड़का जिम बंद कर रहा उसे बाइक दिलाई थी आपने, जिम में लड़का था हन्नी की तरह उसे बाइक दिलाई थी गुरु जी ने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे ही बता देते हैं, तो मैंने भी जरूरी नहीं समझा कि मैं वीडियो में बोल के ज़्यादा गुरुजी को अपने महान दिखाऊं, वरना लोग सोचेंगे भाई तो गुरुजी का चेला है, अच्छा दिखा रहा है। और इस चीज़ का मैं भी जवाब दे देता हूँ कि जिम के अंदर घुसती भी है, फीस इसलिए मांगी जाती है क्योंकि ये जो जिम है ना ये एक तरह से बंदिर है बहुत सारे एथलीट्स के लिए, गुरुजी के लिए। तो यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही किसी को पसंद है, ना गुरुजी को ना एथलीट्स को, क्योंकि यहाँ बहुत सीरियस ट्रेनिंग वाले एथलीट्स वर्कआउट करते हैं। और टाइम पास के लिए बहुत सारे जिम बने हुए हैं, मैं भी टाइम पास करने बहुत सारे जिमों में चला जाता हूँ, कभी मुझे बहुत सीरियस ट्रेनिंग करनी होती है, टाइम कम होता है तो टाइगर भाई के पास चला जाता हूँ, टाइम है मुझे लग रहा है आज तो मुझे बॉडी तोड़ दिया नहीं है, तो मैं गुरुजी के पास आता हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं रोज़ जाऊँगा तो मैं टाइम पास करूँगा, ना गुरुजी को अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तो इस जिम में ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी के 20 बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, गुरुजी का वेट कर रहे हैं, गुरुजी वर्कआउट करवाएंगे, यहाँ बैठ के एक एक घंटे टाइम पास करने वाले लोग भी आते हैं गुरुजी, है ना, कि पहले एक घंटे बात कर लेंगे फिर कहेंगे गुरुजी 2 साल बाद आऊँगा, हाँ क्योंकि वो आए हैं दिल्ली किसी काम से, कोई बाहर का है, कोई चंडीगढ़ का है, कोई पंजाब का है, कोई केरल से आया, कोई जयपुर से आया, चलो लगे हाथ गुरुजी के साथ, एक गुरुजी के जिम पे सेल्फी हो जाएगी और गुरुजी का थोड़ा सा दिमाग चाट लेंगे। तो भाई ये फीस है, देनी है और कंटिन्यू करना है, और इस जिम का ये रूल है फॉलो कर सकते हो। तो भाई मैं तुम्हें एंटरटेन करूँ, तुम्हें अपना चेला बना के तुम्हें वर्कआउट करवाऊँ, चैंपियन बनाऊँ, अदरवाइज आप समर्थ हो गए तभी हेल्प कर पाओगे किसी की, अगर आप खुद ही समर्थ नहीं है तो किसकी हेल्प कर, किसकी हेल्प कर पाओगे। सही बात है। तो भैया गुरुजी से एक आखिरी सवाल और, गुरुजी जैसे दिल जिंदगी में कभी दिल टूटा हो या डिप्रेशन हुआ हो, कभी आपको ऐसे लगा हो कि भाई जैसे आपने जॉब छोड़ी तो ऐसे लगा हो यार ये मैंने क्या कर दिया, या गेम स्विच करा तो दिमाग में आया हो यार गुरुजी ने ये क्या करवा दिया, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, पैसा कमा पाऊंगा या नहीं, या कभी किसी ने दोस्त ने या किसी स्टूडेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको ऐसे लगा हो यार इससे ये उम्मीद नहीं थी इससे ये कर दिया, तो वो कभी लाइफ में ऐसा फेज आया कि आप अकेले अकेले घुटे हो, डिप्रेशन हुआ है और अपने आप को ही मोटिवेट कर रहे हो, शेयर करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे किसी को? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ ये जो डिप्रेशन वाली फीलिंग है ना इसी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, सही बताऊँ तो। अच्छा। ये एक दिन क्वेश्चन मेरे को गुरु जी ने भी किया था, अच्छा कि तेरे को कभी ऐसा लगा कि तू डिप्रेस हुआ है या तेरे को बड़ा अंदर से लो फील हुआ है? मगर जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे सही में पूछो तो डिप्रेशन मैंने पढ़ा है मेरे को फील नहीं हुआ कभी, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता। मैं जब मेरे पास बिल्कुल मेरा अकाउंट जीरो रहता था तब भी मैं उतना ही खुश था, आज थोड़े बहुत मेरे अर्निंग सोर्स थोड़े से बेटर हो गए तो तब भी मैं उतना ही खुश है, ऐसा नहीं उससे फर्क नहीं पड़ा, वो अकाउंट में सो रहा है उससे कुछ वो नहीं है कि हवा में उड़ जाऊं ना, है ना। तो भाई मैं बच्चों के बीच में रहता हूं, मुझे मेरा बेस्ट टाइम जिम के अंदर होता है, मैं सही बताऊं तो। तो भैया जो लोग देख रहे हैं बहुत दुखी हैं कि हमें हमारी गर्लफ्रेंड ने यूज़ कर लिया, दोस्तों ने यूज़ कर लिया, दिल टूट गया, सीख लो कुछ, बहुत ज्ञान की बातें हैं और सारे लोग नहीं बताते हैं, हर दिन हर लोगों के मैसेज हमारे पास भी आते हैं, भैया मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा, ये सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कोई तो प्रॉब्लम को लेके वहीं कुड़ता रहता है, कोई उससे पार पा जाता है।
तो गुरु जी कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी से ऐसे लगा हो कि यार इस स्टूडेंट से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, इसने ये कर दिया, या किसी दोस्त ने ऐसा कर दिया? कभी कभी बुरा ही नहीं लगा किसी चीज़ का? ये चीज मैंने बुरा तो लगा हुआ, वो दिल तो ये मैंने सीखा अपने गुरु जी से। अच्छा, वो बड़ा मन पे लगा लेते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट ने उनको छोड़ दिया या कुछ ऐसी बात हुई, वो बड़ा मन पे, वो कई दिनों तक परेशान रहते हैं। ये मेरा इतना खास स्टूडेंट था ये मगर ये चीज़ मुझे अपने अंदर नहीं आने देनी कभी। जो जिम्मे है उसके लिए मैं खड़ा हूँ, जो चला गया है उसको मैं भूल जाऊँगा। ठीक है भाई, तू तेरा मेरा साथ इतने दिन का होगा, लेकिन तू जहाँ भी करे अच्छा कर। अच्छा, मैं उसको लेके बैठा रहूँ, यार ये क्यों चला गया, ये क्यों चला गया, मेरे साथ ये मैं नहीं होने देता यार, पता नहीं होता भी नहीं है। तो हर आदमी को आप रोक के नहीं रख सकते। तो गुरुजी कैसे पत्थर दिलो, 40-50 हज़ार लोग आगे जिम में, क्या वो यहाँ खड़े हैं? नहीं है, 3 लोग बैठे हैं। किसी का कोई सर्कमस्टांस है, किसी का कोई कारण है, किसी का कुछ कारण है, कोई किसी वजह से छोड़ गया, कोई आपसे खुश नहीं है इसलिए छोड़ गया। हम हर एक को कुछ नहीं कर सकते, जो है फिर उन पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे आप। हाँ सही बात है, जो चला गया है वो तो चला ही गया है, चला गया वो इन्हें भी ले जाएगा, आप उसके लिए रोते रहो। हाँ, ये कहीं हम पे ध्यान नहीं दे तो जो आया है उन्हीं पे केयर करो। अब मेरे पास 4 बच्चे भी है तो मैं 4 पे केयर करूँ, 4 से 8 तो हो जाएंगे, उन 4 को भी छोड़ दूँ उनके चक्कर में जो बाहर चले गए, तो वो 4 भी नहीं रुकेंगे, ये खुद ही। हाँ, तो गुरु जी दिल पत्थर का आपका या दिमाग से इतने स्ट्रॉन्ग? मैं इमोशनली बहुत हूँ। इमोशनल होगा? मैं बहुत इमोशनल हूँ, बस ये है कि वो सही टाइम पे मेरे इमोशन सामने आते हैं, जब रियल में किसी को जरूरत है मेरे, वैसे नहीं बिना वजह। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। गुरुजी के वीडियो में कोई 2014-15 में आपके जो गुरुजी, उनको चैनल तो बहुत पुराना है। हाँ, मैं शायद 17 में देखता था वीडियोस। हाँ, उससे पहले शुरू हुआ था, उससे पहले शुरू हुआ था ना। हाँ, तो 2017 में वीडियोस देखता था मैं, तो मेरी गुरुजी से ज़्यादा नज़र ना धवन गुरुजी से ज़्यादा आप पे रहती थी। अच्छा, और गुरुजी मैं आज बता रहा हूँ तो मुझे इतना प्राउड फील होता था देख के, क्योंकि मैंने गुरुजी का नाम बहुत सुना हुआ था। और 2017 से पहले भी मैंने, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, गुरुजी को ज्वाइन करने का रीज़न मेरा है कि मैं छोटा था, गुरुजी हमारे गाज़ियाबाद आए थे एक बार एक रिबन कटिंग के लिए, तो वहाँ जब मैंने गुरुजी को देखा मैंने कहा यार ये तो सच में, वहाँ शोर हो रहा था इंडियन आर्नोल्ड इज़ कमिंग, इंडियन आर्नोल्ड इज़ कमिंग, तो मैंने कहा कौन इंडियन आर्नोल्ड? तो जब गुरुजी के सामने देखा मैंने इतने बड़े डोले, भाई क्या बॉडी है। तो मैं उस दिन मैंने सोचा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, पैसे कमाऊँ, मैं इनसे ट्रेनिंग लूँगा। तो वहाँ मैंने तब लाइव देखा था गुरुजी को, फिर देखा था मैंने गुरुजी आपको वीडियोस में, तो मुझे लगा गुरुजी के अंदर बड़ा घमंड होगा कि इतनी तगड़ी बॉडी, भी मैंने बहुत बॉडी वाले लोग तब भी देख रखे थे, क्योंकि मेरा शुरू बचपन से ही मुझे था कि बड़ा होगा तो बॉडी तो जरूर बनाऊंगा, स्टेज कभी नहीं चढ़ूंगा। तो बहुत घमंडी लोग देखे थे, तो मुझे आप भी गुरुजी घमंडी लगे थे। मैंने भाई इतने तगड़े हैं, इतनी बड़ी बॉडी है तो घमंड होगा। फिर जब मैंने आपको गुरुजी के साथ वीडियोज में देखा ना, तो गुरुजी आगे बात करते रहते थे, आपके हाथ दोनों ऐसे और खर्दन आपकी ऐसे, तो जब वो कहते थे मुकेश बताओ, फिर आप कहते थे हाँ गुरुजी। हम ऐसे करते हैं, इतने चैंपियन बना दिए, आपके गुरुजी की बात बता रहा हूँ तो, और ऐसे ऐसे इनको डाइट दे लेता हूँ, मुकेश बताओ, फिर आप कहते थे जी गुरुजी। तो तब मैंने देखा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद, इतने बड़े सारे अचीवमेंट्स होने के बाद, रिबन काटने आ रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, और अपने गुरु के सामने सर झुका खड़े हैं, तो यार फिर दैट मीन्स वो एक सेंस तो होती है ना गुरु से बड़ा, तो सेंस ऑफ स्मेल की बच्चे के अंदर भी होता है कि कौन इंसान कैसा है। तब तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे होगा 13-14 साल का तो, और अब 2017 में तो मैं ऐसे था 21-22 साल का। तब मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार, ही इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन मैन, और दिल के बहुत साफ हैं, गुरु जी की इतनी इज्जत करते हैं। तो भैया मैंने एक दो वीडियो देखी गुरु जी की, आप गुरु जी कह रहे हैं कि जब इनके पास बजट नहीं होता था गुरु जी के पास, और पैसे नहीं होते थे इतने, सोर्सेज नहीं थे इतने, तो गुरुजी आपको, आपको आपके गुरुजी ने कॉम्प्लेन भी पिलाए हैं। हाँ, तो आज के है ना, आपको बोलने दे रहा हूँ अभी एक सेकंड। तो आज के जो बच्चे हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि प्रोटीन का पकड़ा डब्बा, हाँ, इसके पीछे 25 ग्राम लिख रहा है, लेकिन मैंने YouTube पे सुना इसमें 15 ग्राम है, तो ये बेकार है। हाँ, मैं नहीं खा रहा, 6,000-8,000 का डब्बा खाने के पैसे नहीं है। हाँ, ये वाला उन्हें इसलिए नहीं खाना क्योंकि उन्हें YouTube पे सुन लिया कि इसमें कम प्रोटीन है, शुगर इसमें ज़्यादा है, तो शुगर तो बॉडी के लिए ख़राब होती है। तो कॉम्प्लेन के अंदर तो गुरुजी मेरे ख्याल से 5-6 ग्राम प्रोटीन होता होगा। हाँ, उसको तो अब क्वांटिटी प्रोटीन कमी होती है, और वो भी वैसे शुगर ज़्यादा होती है ना। तो गुरुजी के गुरुजी ने गुरुजी को चैंपियन कॉम्प्लेन बिना पिला के बनाया। मैं नहीं बोल रहा, ये गुरुजी खुद बताएंगे। गुरुजी ये लास्ट सवाल है, फिर मैं आपको छोड़ रहा हूँ। गुरुजी लीटर है 12:30 के लिए कॉम्प्लेन को भी थैंक्स भाई, उस टाइम पे हम वो पी के भी चैंपियन बने हैं।
वो मेहनत ज्यादा कराते थे जैसे वो गुरुजी की मैंने वीडियो में सुना था कि मुकेश बताओ कॉम्प्लेन किया था तो आपने कहा था हाँ, तो मैं ये जेन्युइनली जानना चाह रहा हूं। मेरे को तो एक बार ऐसे ही बोल दिया था, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था। अच्छा, तो बोले एक काम कर, मतलब एक लेवल पर रुक जाता ना बॉडी वेट गेनिंग का टाइम था, 10 डब्बे आज तुमने कॉम्प्लान के लेके जाने हैं और वो 10 दिन में खत्म होने चाहिए। अच्छा, पूरा डब्बा एक दिन में खत्म? हाँ, अब हम भी पक्के उस्ताद के चले थे, मैं 10 ही उठा ले गया और वो 10 दिन में खत्म भी करे, हालांकि मुश्किल से ही करे। अच्छा, रोज आता एक दिन में एक डब्बा पीना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि मन भर जाता है, मन भर जाता है, डाइट भी लेनी उसके बाद। तो वो जो डाइट चल रही थी मेरी उसमें वो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो वेट आना ऊपर शुरू हो गया। सही बात है। हाँ, तो मतलब वो है कि बात मानने वाली, बात मानने वाली, पॉजिटिव माइंड, कोच के ऊपर भरोसा, सारी चीज हो जाती है। दिमाग को जैसे चलाओगे ना, बिल्कुल। अगर मैं बोले था भी कि समर्पण है ना आपके अंदर, तो हर चीज काम करेगी। ये माइंड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है जिंदगी में कुछ भी काम करने के लिए। मुझे ये लग रहा है मुझे बिजनेसमैन बनना है और मैंने दिमाग को समझाया हुआ है, तो मैं बन के दिखाऊंगा सारों को, गुरुजी को भी, तुमको भी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है मेरा माइंड पॉजिटिव है। अगर मैं ये सोचूं यार 20 लाख रुपये इन्वेस्ट करूँ, 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करूँ, आउटपुट नहीं आया तो मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, तो क्यों करूँ, नहीं करूँ, या डरूँ या नेगेटिव सोचूँ, तो वो चीज़ें वैसी होती चली जाएंगी। और मैं ये सोचूँ 50 लाख रुपये मुझे, 1 करोड़ रुपये मुझे लगाने हैं बिजनेस में, अब चाहे कुछ भी हो देखा जाएगा, तो वो उसका बैड रिजल्ट कभी नहीं आता। ये पॉजिटिव माइंडसेट होता पॉजिटिव। तो जैसे गुरुजी ने बताया कॉम्प्लेन खा के भी चैंपियन बने। 97 में मैंने शुरू किया। हाँ, 2000 में मैं फर्स्ट टाइम एशिया खेलने गया था। हाँ, 97 से 2000 तक हम कॉम्प्लेन पे थे। 97 रोज हमने एक बार उसका शेक बना के ट्रेनिंग के बाद पीना ही था। कोई प्रोटीन शेक नहीं, प्रोटीन फैंसी प्रोटीन ना तो कोई मेरे ख्याल था उस टाइम। हमें फर्स्ट टाइम 2000 वहाँ एशिया से आने के बाद, उस टाइम तो प्रोटीन भी बहुत लोकल होते थे। हाँ हाँ, तो 3-4 साल की ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट टाइम हमें प्रोटीन और यामिन मिलना शुरू हुआ था। मतलब जब मैं 2-3 साल का था और तुम में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए तो उसी में चैंपियन बन गए थे। तो देखो उस टाइम की बात बता रहे हैं गुरुजी, तो उस टाइम पे भैया उतने प्रोटीन होते नहीं थे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। तो भैया जितने भी भाई हमारे इधर उधर के छेड़ाछाड़ी कर रहे थे, पहले गुरुजी के अचीवमेंट देखो, जिम में आओ, गुरुजी के साथ एक दिन वेट उठा के देखो। कभी ज़िंदगी में इतने ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इस पर सारी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं, कभी जिम में आ जाना, इसका फोटो खींच के ले जाना, वैसे मैंने दिखाई दिया। कभी इतने का सपना ही सोच लेना तब बात करना, तो अच्छे लगोगे शायद, है ना गुरुजी? जो लोग बुराई भी करते देखो आपसे प्यार करते, कहीं ना कहीं कोई चीज़ उनको बुरी लगी तो वो कहने का राइट गुरु जी नहीं, ऐसा नहीं है गुरु जी। कुछ लोग ना तो आपको प्यार करते हैं ना ही आपसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार करते हैं तो ही बुराई कर रहे हैं। अब मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ गुरु जी, और मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे नाराजगी आमने सामने, हाँ आमने सामने होना है ना। लेकिन जब मैं आपको जानता ही नहीं, मैं कभी आपसे मिला ही नहीं, मैंने कभी आपको देखा ही नहीं, मैं सलमान खान से कैसे नाराज हो सकता हूँ लोगों के कहने से? हाँ हाँ, मैं उसे जानता ही नहीं ना, वो इंसान कैसे, मुझे लग रहा है फिल्मों में झूठा हो या जैसी उसकी इमेज दिखाई जाती है वो झूठी हो। तो ना तो मैं उससे कभी नाराज हो सकता हूँ, बिल्कुल, ना ही मैं कभी उससे प्यार कर सकता हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, बचपन से उसको भी देखा। हाँ, उसको देख के बहुत लोग जिम जाना शुरू हुए, भगवान उसका भला करे, खुश रखे, बात खत्म। हाँ, दुआएं दे सकते हैं हम, दैट्स इट, ना कोई नफरत ना उसके उस पर जाके वो कर रहा। तो ऐसा नहीं है गुरुजी, यहाँ गलत है कि लोग हमसे प्यार करते हैं तो ही हमें गलत बोलते हैं। कुछ लोगों को ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, उनके पास इतना टाइम है कि ये आंधी चल रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाओ, और इधर चल रही है नेगेटिव है तो नेगेटिव। वैसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल बहुत कम लोग, बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। तो भैया ऐसा है, छेड़ा छाड़ी मत करा करो, और गुरुजी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितनी तुम्हारी टांगे उतनी हमारे गुरुजी की कलाइयाँ हैं। किसी दिन पड़ पड़ा गई किसी एक्सपो में शो में मिल गए तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, चटक चटका जाओगे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आई होप मेरे सारे भाइयों को गुरुजी से हमारे कुछ सीखने मिला होगा। पॉजिटिव रहो, ज़िंदगी में डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने बहुत बुरा फेज देखा गुरुजी, जैसे मैं बोलता था, मेरे को जब नहीं हुआ बाहर निकले मस्त अपना पेट निकाल के डांस करा, लोगों ने देखा यार पॉजिटिव आ गया, उससे भी आगे पहुंच गया, उससे भी आगे पहुंच गए। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहो, सब पॉजिटिव होगा। मेरे साथ तो ऐसे हो गया, इसलिए मैं रह गया, मैं रोया नहीं एक दिन भी। मैंने बाहर आके बहुत लोगों को आएगा और रोएगा, सिंपैथी मांगेगा, मुझे ये करो मेरे साथ ये हुआ, क्यों रहूं? उसको जो ठीक लगा उसने मेरे साथ किया, मैंने हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लिया। एक फेज होता निकल गया, उससे निकल गए, निकल नहीं था। तो थैंक यू सो मच भाई, लव यू ऑल, और गुरुजी को बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कुछ सीखने मिला होगा गुरुजी से हमारे, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को गुरुजी को प्यार देने के लिए। जितनी भी हमारी नई जनरेशन प्यार देती है वीडियोस के थ्रू, आपको भी बहुत सारा प्यार, गुरुजी को भी बहुत सारा प्यार। आपको भी नहीं पकाते, गुरुजी को भी नहीं पकाते, गुरुजी लेट हो रहे हैं, गुरुजी की लात मेरे मुंह पर आएगी अब, खत्म क्यों ना करता इसे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी नहीं हमारे गुरुजी की टक्कर में भाई।